हे फैम, व्हाट्स अप। आप कुछ दिनों से मेरे बारे में काफी सारी न्यूज देख रहे होंगे, काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी देख रहे होंगे, स्पेशली वो दो वीडियोस के बारे में जो काफी लोग फैला रहे हैं, काफी सारी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। तो मैं इसके बारे में आपसे पर्सनली एक बार बात करना चाह रहा था। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो दो वीडियोस के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो बनाई कैसे गई थी। सबसे पहली वीडियो, मैं कुछ जरूरी सामान लेने मेरे घर के नीचे गया था, तभी देखा कि एक वीडियो बहुत ट्रेंड हो रही है और मैंने वो वीडियो बना दी। अब लोग कह रहे हैं कि मैंने वो वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं लोगों को कह सकूं कि आप भी अपने घर से बाहर निकलिए, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप उस वीडियो के हैशटैग देखते हैं तो बहुत ही क्लियर बता रहा है, जैसे कि आपके साइड में दिख रहा है, अपने घर में रहें। अब ये वीडियो को मैंने डाउन क्यों किया? नॉर्मली जब मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मेरे फैम इतने अच्छे हैं, मुझे बता देते हैं कमेंट के जरिए कि वीडियो अच्छा बना है या बुरा बना है। तो जैसे ये वीडियो बना था, इस पे तो मुझे कोई खराब कमेंट्स आए ही नहीं। पर एक लॉयर है जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके मेरे बारे में काफी बुरा भला लोगों से कह रहे थे सोशल मीडिया पे, और तभी मुझे ऐसा लगा इस वीडियो के जरिए वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मुझे ये वीडियो हटा देनी चाहिए। तभी मैंने ये ज्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने दिया और मैंने उस वीडियो को हटा दिया। दूसरी वीडियो के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो वीडियो तो लॉकडाउन के बहुत पहले बनाई गई थी और आप इस वीडियो पे डेट भी देख सकते हैं हमने ये शूट कब किया था। तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है कि हम घर से बाहर निकल के वीडियोस बना रहे थे। मैं आप सबको फिर से बताना चाहूंगा कि मैं अभी भी घर पे ही हूँ अपने। अब तीसरी चीज, मैं क्यों ये लोगों को कहूंगा कि आप अपने घर से बाहर निकलिए। इनफैक्ट मैं पर्सनली बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ अपने फैम के लिए, देखने वालों के लिए, जिससे उन लोगों को ये बता सकूं कि कोरोना से कैसे बचे। अगर आप मेरी टाइमलाइन देखते हैं तो उसमें आप ये सारी वीडियोस भी देखे होंगे कि मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सोशल मीडिया के जरिए, और ज्यादा से ज्यादा मैसेज फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोरोना से सेफ कैसे रहें। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था, तभी मैंने उस दिन ये न्यूज हैंडल पे शेयर कर दिया था और अपने फैम तक का पहुंचाया भी था। अब रही बात कि मेरे बारे में बुरी बातें क्यों हो रही है, तो एक लॉयर जनाब है, जब हमारा एक प्रॉब्लम हुआ था तब मैंने उनके बारे में सुना था, मैं कभी उनसे पर्सनली मिला ही नहीं, पर ये हमारे टीम के लिए एक केस लड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी ऐसा कुछ हुआ, हमें उनके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, और हमने एक नया लॉयर अपॉइंट किए जो काफी सीनियर थे, जिन्होंने हमारा केस हाई कोर्ट में लड़े और उसका काफी फेवरेबल जजमेंट भी आया हमारे लिए। आप अगर ये ईमेल को देखते हैं जो हम सब ने मिलकर लॉयर को भेजा था कि आप हमारा केस मत लड़िए। फिर भी वो उस दिन कोर्ट आए, हम किसी को कोर्ट आने से कैसे रोक सकते हैं। तो इस बात पे ये जो लॉयर थे काफी खफा हो गए, और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने मीडिया में ये भी बोला था कि वो हमसे बहुत खफा है। वाह, ऐसे टाइम पे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए, इन सब के बीच में आप अपना फायदा ढूंढ रहे हैं और उसी वजह से मेरा नाम ये सब में खींच रहे हैं। जो इंसान ऐसा कर सकता है वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही डेंजरस आदमी है, और वो किसी भी हद तक का जा सकता है हमारा नाम खराब करने के लिए। आप अगर गूगल सर्च करते हैं तो इनके नाम की तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये कितने डेंजरस इंसान है। मैं उनसे और सबसे यही कहना चाहूंगा, ये जो अभी कोरोना का प्रॉब्लम है वो बहुत ही बड़ा है, ये लॉयर से भी और मुझसे भी, और ये प्रॉब्लम हम साथ डटकर मुकाबला करेंगे। ये छोटी छोटी लड़ाई हमें कहीं नहीं ले जाने वाली, हम सारे इंडियंस हैं और हमें इंडिया को इस लड़ाई से जिताना है। सो गाइस, जैसा आप लोग मेरा साथ दे रहे थे, आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा। संडे को 9 बजे सारी लाइट्स बंद करके कैंडल लेकर मैं अपनी बैल्कनी में खड़ा होऊंगा। आप सब भी कैंडल और टॉर्चेस के साथ में खड़े रहिएगा और देश का साथ दीजिएगा। हमें ये ख्याल जरूर रखना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और किसी भी तरह की गैदरिंग को अवॉइड कर रहे हैं। जय हिंद। हाय गाइस, मैं हूं सलमान और ये है निर्वाण। हम लोग यहाँ पर आए थे कुछ दिनों के लिए, अब हम यहीं पर हैं। तो हम लोग तो भाई डर गए, करेक्ट? करेक्ट। तो निर्वाण सोहेल के साहबजादे हैं, सोहेल के बेटे हैं। इन्होंने अपने फादर को कब से नहीं देखा? 3 हफ्ते तो हो गए। मैंने अपने फादर को 3 हफ्ते से नहीं देखा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे फादर अकेले घर पर हैं। रिमेम्बर द डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया। वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता। हम लोग डर गए और बड़ी बहादुरी से कह रहे हैं कि हम लोग डर गए। आप ज़्यादा ब्रेव मत बनो, क्योंकि इसमें यू थिंक एनी पॉइंट इन बीइंग ब्रेव इन दिस? नो, आई थिंक इट्स बेटर फॉर एवरीवन टू स्टे होम, अवॉइड कॉन्टैक्ट, एंड आई थिंक the longer we stay indoors the faster this ends. जी, तो
वो जो डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है। जो डर गया समझो बच गया, और उसने बहुत सारे लोगों को बचाया भी। थैंक यू। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम डर गए थे।